जिमी, क्या मैंने तुम्हें यही सिखाया? पहले अपने भाई को धोखा देते हो, फिर उसे WWE को क्विट करने पर मजबूर करते हो। बहुत हुआ, लेकिन अब जे के साथ कुछ गलत नहीं होगा क्योंकि उसका डैड आ चुका है। तो हे गाइस, वेलकम है आप लोगों का आज के इस वीडियो में। जे उसो ने WWE को क्विट किया, इसके बाद WWE ने खुद जे उसो को अपनी कंपनी से ही फायर कर दिया। ये मैटर गाइस काफी सीरियस और कह लो कंफ्यूजिंग सा बन चुका है। तो गाइस, मैं कोशिश करूंगा इस वीडियो को देखने के बाद आप लोगों का सारा डाउट क्लियर हो जाए। देन चलिए फिर आज के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लास्ट वीक हमने स्मैकडाउन में देखा, जे उसो ने कहा कि वो ब्लड लाइन को तो छोड़ ही चुके हैं और अब वो स्मैकडाउन के साथ साथ WWE को भी छोड़ के जा रहे हैं। अब गाइस, जब जे ने ऐसा कहा तो लगा कि चलो यार, वो गुस्से में ऐसा कह दिए होंगे, लेकिन जब ये अपडेट आई तो सभी शॉक रह गए। WWE ने जे उसो को एलुमिनी सेक्शन के लिस्ट में डाल दिया। अब ये एलुमिनी सेक्शन क्या है? तो देखो, वो सुपरस्टार जो WWE के साथ ना तो किसी कॉन्टैक्ट में और ना ही किसी कॉन्ट्रैक्ट के साथ है, मतलब ऐसा समझो उसका WWE के साथ कोई लेना देना नहीं है। तो ऐसे में कंपनी वैसे सुपरस्टारों को एलुमिनी सेक्शन के लिस्ट में डाल देते हैं, और यहाँ गाइस हमें जे उसो भी देखने को मिले। अब इसका मतलब क्या सच में जे उसो WWE कंपनी से चले गए? लोगों ने तो ऐसा भी कहना स्टार्ट कर दिया कि अब वो दूसरे प्रमोशन लाइक AEW में जाने वाले हैं। क्लियर करेंगे गाइस इस पॉइंट को भी थोड़ी देर में, लेकिन सबसे पहले ये जानते हैं कि जे उसो ने आखिर क्यों WWE कंपनी को क्विट किया। अब यार आप ही बताओ, जिस बंदे की कोई गलती नहीं है और जब उसे चारों ओर से धोखा मिलेगा तो वो बंदा क्या करेगा? सब कुछ छोड़ छाड़ के भागेगा ही ना। जे उसो के साथ भी वही कुछ हुआ। ब्रॉल स्टार्ट हुई जिमी और रोमन रेंस के बीच। जे उसो ने जब दोनों को समझाने की कोशिश की तो बेचारे वही फंस गए। नंबर वन, पहले तो गाइस उन्हें रोमन रेंस की ओर से धोखा देखने को मिला। नंबर टू, उनके छोटे भाई ने भी उन्हें नहीं छोड़ा। नंबर थ्री पे पॉल हेमन का नाम है, और ये हमारे वाइसमैन कितने बड़े धोखेबाज है वो तो हम जानते ही हैं। जब उन्होंने CM पंक और ब्रॉक लेसनर को नहीं छोड़ा तो ये जे उसो उनके लिए क्या चीज है? वो चाहते तो ब्लड लाइन को टूटने से रोक सकते थे, लेकिन इस बंदे ने छोटी सी चिंगारी से लगे आग में पेट्रोल, डीजल और ना जाने क्या क्या डाल डालकर मींस रोमन रेंस के कानों को भरकर पूरे मामले को ही ब्लास्ट कर दिया। इसके बाद जो आखिरी में धोखा आया उसने तो जे उसो का दिल ही तोड़ दिया। समर स्लैम में वे अपने ही भाई जिमी उसो के लिए रोमन रेंस से लड़ रहे थे, और जब उसने ही धोखा दे दिया तो ऐसे में जे उसो का मन भर गया अपने ही भाइयों से, और उन्होंने WWE कंपनी को छोड़ दिया। अब सच कहूं तो गाय, जे उसो WWE में नहीं आने वाले हैं। लेकिन वो आ नहीं सकते हैं, पर लाए तो जा सकते हैं ना वापस। हाँ गाइस, ये सब कुछ एक स्टोरी लाइन का पार्ट है, क्योंकि WWE को जिमी वर्सेस जे का मैच रेसलमेनिया लेवल पर करवाना है। ऐसे में रेसलमेनिया को अभी होने में थोड़ा लंबा टाइम है, तो WWE ने अभी इस स्टोरी लाइन को थोड़ा स्ट्रेच या कह लो ड्रैग करने के लिए जे उसो को WWE से थोड़े टाइम के लिए ऑफ दिया है। लेकिन गाइस, बताया जा रहा है कि जे उसो जब भी WWE में आएंगे तो वो खुद नहीं आएंगे, बल्कि उन्हें कोई लेकर आएगा, और वो होंगे उसोस के फादर रिकी सी। समर स्लैम में भी बताया गया था कि वो ट्राइबल कॉम्बैट मैच में आएंगे, लेकिन सच कहूँ तो वहाँ उनकी तब ज्यादा जरूरत नहीं थी जहाँ अभी उनकी जितनी है। उसोस के फ्यूड में उनके फादर का इन्वॉल्व होना ये ज्यादा पॉजिटिव वाइब दिलाता है। अब गाइस, मैं ये चीज ऐसे ही नहीं कह रहा हूँ। अभी रिकी सी का एक पोस्ट सोशल मीडिया पर वायरल होता है। ये पोस्ट मेनली निंजा एक्स कुछ है, जहाँ रिकी सी अपियर होने वाले थे तो इस चीज के प्रमोशन में इसे पोस्ट किया गया था। हमारे लिए ये नोट करने वाली बात नहीं, एरो के पास देखो गाइस क्या लिखा है। कम मीट रिकी सी बिफोर ही रेफरी एट Payback। WWE Payback में रेफरी करने से पहले रिकी सी से मिले। इसके बाद गाइस, रिकी सी ने देखा कि ये बात लीक कैसे हो गई, तो वो ये कहने लगे कि रॉन्ग प्रमोटर मिस्टेक, ये बात बिल्कुल गलत है, ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। अब यार आप ही बताओ, कोई अपने मन से ऑफिशियल अनाउंसमेंट पोस्ट पर ऐसा कुछ क्यों लिखेगा? चलो भाई, कोई लिख भी देता है तो रिकी सी को सफाई देने की क्या जरूरत है जब ऐसा कुछ नहीं होने वाला है तो। फिर इसके बाद गाइस, जब स्मैकडाउन में जे उसो ने ये पोस्ट दिया था तो देखो तो रिकी सी भी इसे पोस्ट करते हैं। इसका मतलब तो यही है कि रिकी सी जे उसो के साथ हैं। अब उनके ब्लड लाइन के फ्यूड में इन्वॉल्व होने का टाइम आ गया है। और गाइस, जे उसो का कजन जिला फाटू भी इस चीज को पोस्ट करता है। सच कहूं तो गाइस, जे उसो WWE में पूरी तरह से अकेले पड़ चुके हैं।
ऐसे में उन्हें एक साथी या फिर उनके फादर की उन्हें बहुत ज्यादा जरूरत है। तो गाइज अब अगर कल के स्मैकडाउन के बारे में थोड़ा बात करें तो द रेटेड आर सुपरस्टार एज अपने 25 ईयर सेलिब्रेशन पे फाइट करेंगे द केल्टिक वॉरियर सेमस से एंड हमारे न्यू यूनाइटेड स्टेट चैंपियन रे मिस्टीरियो एज अ स्पेशल गेस्ट अपीयर होने वाले हैं ग्रेसन वॉलर के द ग्रेसन वॉलर इफेक्ट शो में। तो आज के इस वीडियो को ही एंड करते हैं। सो सी यू गाइज इन माई नेक्स्ट वीडियो। टिल देन बाय एंड टेक केयर।